हेलो गाइस, वेलकम टू रियल का फैक्ट्स। एंड कैसे आप सब लोग। तो गाइस, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ हुंडई वेन्यू का नाइट एडिशन। वैसे तो ये कार पहले ही लॉन्च हो चुकी थी, हम थोड़ा सा लेट हो गए इसको कवर करने में, बट फिर भी फाइनली आज आपके सामने लेके आ गए हैं हम वेन्यू का नाइट एडिशन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस कार की प्राइसिंग की, इस कार में मिलने वाली फीचर्स की एंड इस कार की स्पेसिफिकेशन की। तो वीडियो में बने रहना। जो लोग वीडियो में नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं। सो गाइस, बात करें वेन्यू नाइट एडिशन की प्राइसिंग की, तो इसके प्राइस स्टार्ट होते हैं 10 लाख एक्स शोरूम एंड जाते हैं 13.48 लाख एक्स शोरूम तक। ये कार आपको तीन वेरिएंट्स में मिलती है, एस, एसएक्स एंड एसएक्स ऑप्शनल। इस कार में आपको चार कलर ऑप्शन दिए जाते हैं। एंड बात करें इस कार के इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो इसके एस ऑप्शनल एंड एसएक्स में आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है। एंड वहीं बात करें इसके टॉप वेरिएंट एसएक्स ऑप्शनल की, तो उसमें आपको 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन मिलता है। तो गाइस, आज हमारे साथ है इसका एस वेरिएंट, जो आपको कॉस्ट करता है 10 लाख एक्स शोरूम। एंड ब्लैक कलर में ये कार बहुत अच्छी लगती है। वैसे चार कलर ऑप्शन आते हैं, बट ये जो ब्लैक कलर है ये मेरा पर्सनल फेवरेट कलर है। बात करते हैं इस कार में मिलने वाले की, तो इसमें आपको बूट एक्सेस, अनलॉक एंड लॉक का फीचर की में मिलता है। सो गाइस, अब देखते हैं कि नॉर्मल वेन्यू और नाइट एडिशन में क्या क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कार के फ्रंट चेंजेस की। तो इस वेरिएंट में फ्रंट ग्रिल को पूरा ब्लैक कर दिया गया, उसके साथ लोगो को भी इन्होंने पूरा ब्लैक कर दिया है। एंड इसके साथ साथ आपको कॉपर के कुछ टचेस देखने को मिल जाएंगे इसकी ग्रिल में, जो कि काफी अच्छे लग रहे हैं देखने में मुझे पर्सनली। तो इसके अलावा यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर एंड इसके नीचे DRL एंड प्रोजेक्टर का सेटअप देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रंट में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। ये जो कॉपर के टचेस आप देख रहे हो, ये आपको इंटीरियर में भी देखने को मिलेंगे, जो कि पर्सनली मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो बात करते हैं साइड प्रोफाइल की, तो कार की साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी है। अब देखते हैं साइड प्रोफाइल में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। इसके साइड प्रोफाइल में भी कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि इसके स्टील व्हील्स में भी आपको ये कॉपर कलर का टच देखने को मिल जाएगा। अंदर आपको रेड कैलिपर दिया गया है। एंड बात करें टायर प्रोफाइल की, तो 195/65R15 के टायर आपको इसमें मिलते हैं देखने को। एंड बॉडी क्लाइडिंग भी इस ब्लैक कलर के साथ पूरी मर्ज हो रही है। बात करें ORVM की, तो इंडिकेटर आपको ORVM में ही देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा रूफ रेल्स आपको देखने को मिल जाएगी इस वेरिएंट में, और रूफ रेल्स में भी इन्होंने कॉपर कलर के टचेस दे रखे हैं, जो कि काफी अच्छे लग रहे हैं। ब्लैक डोर हैंडल आपको मिल रहा है इसमें ग्लॉसी ब्लैक कलर में। इसके अलावा 195mm की ग्राउंड क्लीयरेंस आपको वेन्यू में देखने को मिलती है। बात करूं कार की पूरी डायमेंशन की, तो आपको स्क्रीन में देखने को मिल जाएगी। बाकी यार, आप मुझे कमेंट्स करके बताओ कि आपको नाइट एडिशन का ये ब्लैक कलर कैसा लग रहा है। मुझे ब्लैक कलर में बहुत अच्छी लग रही है ये कार। बात करते हैं कार के रेयर प्रोफाइल की, तो रेयर में आपको लुक कुछ ऐसा लगता है। पूरी कनेक्टेड टेल लाइट आपको देखने को मिलेगी रेयर में। एंड अगेन बम्पर में आपको कॉपर कलर का एलिमेंट देखने को मिल जाएगा, साथ में नाइट एडिशन की बैजिंग। एंड पर्सनली मुझे ये बैजिंग भी बहुत अच्छी लग रही है इस कार में देखने में। इसके अलावा ये कनेक्टिंग लाइट तो इसका हाईलाइट है ही। इसके अलावा आपको वेन्यू की बैजिंग मिल जाएगी सेंटर में, इसके ऊपर हुंडई की बैजिंग। इस वेरिएंट में आपको वाइपर नहीं मिलता, बट डिफॉगर आपको मिल जाएगा। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप एंड शार्क पिन एंटीना की प्लेसिंग यहाँ की गई है। अब जल्दी से एक बार इसका बूट भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो बूट एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इस कार में आपको 350 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, एंड जो काफी सफिशिएंट है। बट कोई बूट लैंप नहीं दिया है उन्होंने बूट में, अगर मिलता तो थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाता। बात करें स्पेयर व्हील की, तो स्पेयर व्हील आपको सेम साइज का ही स्पेयर टायर इसमें मिलता है 15 इंच का। एंड जो रेयर सीट है वो 60-40 स्प्लिटेबल सीट्स हैं, तो अगर आपको एक सीट फोल्ड करनी हो तो आप इजीली फोल्ड करके अपना बूट स्पेस बढ़ा सकते हो। अब चलते हैं कार के अंदर एंड देखते हैं कार का इंटीरियर कैसा है। सो गाइस, जैसे कि नाइट एडिशन है तो इंटीरियर पूरा ब्लैक किया गया है। यहाँ पे सॉफ्ट टच दिया गया है यहाँ पे आपको, एंड यहाँ पे आपको विंडोज एंड ORVM के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा बाहर से लुक कुछ इस तरीके से आता है। इंटीरियर में भी आपको कई जगह ये कॉपर टच देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफी अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा इस वेरिएंट से ही आपको हाइट एडजस्टेबल का फीचर मिल जाता है इसकी सीट्स में, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। इसके अलावा बात करूं गाइस, तो यहाँ पे आपको इसके ट्रैक्शन कंट्रोल एंड हेडलाइट एडजस्ट करने के ऑप्शन मिल जाएगा। एंड अब चलते हैं कार के अंदर एंड देखते हैं कार का अंदर से इंटीरियर कैसा है। ओके गाइस, तो अंदर से इंटीरियर जैसे आप देख रहे हो नाइट एडिशन है, पूरा ब्लैक कलर आपको दिया गया है। कई कई जगह आपको ये कॉपर के ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा कॉपर कलर का, जो कि काफी अच्छा लग रहा है। पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। तो सबसे पहले बात करते हैं कार के स्टेयरिंग की, तो इसमें आपको राउंड शेप का स्टेयरिंग मिलता है देखने को। यहाँ पे आपको म्यूजिक के कंट्रोल एंड यहाँ पे MID के कंट्रोल आपको मिल जाएंगे देखने को। इसके अलावा बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलता है। ये बहुत अच्छी चीज है हुंडई की, हुंडई अपने बेस वेरियंट से ही आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड करती है। इसके अलावा बात करूं तो इस कार में आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो कि काफी ज्यादा स्मूथ है।
एंड अगेन कॉपर कलर यूज किया गया है इसके एसी इवेंट में, जो कि अच्छा लग रहा है काफी देखने में। इसके अलावा नीचे आपको कुछ कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे, मैनुअल एसी आपको इस इन्फिनिटी में मिलेगा, टाइप सी चार्जिंग ऑप्शन एंड यहाँ पे कुछ स्पेस है रखने के लिए सामान आपके। एंड यहाँ पे इसका 5 गियर ट्रांसमिशन ऑप्शन, इसके अलावा 2 कप होल्डर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे एंड हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट, प्लस यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है चार्जिंग का। एंड बात करें स्पेस की सामान रखने के लिए, तो ग्लव बॉक्स के ऊपर भी आपको यहाँ पे थोड़ी जगह मिल जाती है सामान रखने के लिए। एंड ग्लव बॉक्स का साइज ज्यादा बड़ा नहीं है। इसके अलावा मैनुअल डे नाइट आयर में आपको इस वेरिएंट में मिल जाते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट फीचर, डैश कैम आपको इस कार में मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है यार। मैं पहले भी कई वीडियोज देखता हूँ, डैश कैम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है और अपनी कार में होना ही चाहिए। ड्राइवर साइड आपको कार्ड होल्डर देखने को मिलता है। इसके अलावा को पैसेंजर साइड आपको एक वैनिटी, बड़ी वैनिटी दी गई है एंड यहाँ पे आपको माइक की प्लेसमेंट एंड रूफ भी ब्लैक कर दी गई है इस एडिशन में। सो ओवरऑल कुछ ऐसा सा है कार का फ्रंट इंटीरियर। हाँ, बात करें सीट्स की, तो सीट्स भी काफी कुछ नहीं है इसकी, काफी कंफर्टेबल सीट्स है, थाई सपोर्ट भी अच्छा है एंड एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाता है इस वेरिएंट में, जो कि एक अच्छी चीज है। अब चलते हैं कार के रियर में एंड देखते हैं रियर कंफर्ट कैसा है इस कार का। तो भाई सबसे पहली अच्छी चीज मुझे लगी रियर में कि 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं इसके रियर सीट्स में। अब चलते हैं कार के अंदर एंड देखते हैं कि कार में अंदर कितना स्पेस है। फ्रंट सीट पूरी पीछे हो रखी है अभी इस कार की। एंड अगर मैं बात करूं अब मेरे लेग रूम की, तो लेग रूम अभी थोड़ा दिख रहा है क्योंकि पूरी पीछे है सीट। अदरवाइज लेग रूम अच्छा है कार में। एंड रेयर में ही आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं एंड टाइप सी के चार्जिंग स्लॉट भी दिए हुए हैं, जो कि अच्छी चीज है। हम्प है थोड़ा कार में, ज्यादा नहीं है बट थोड़ा बहुत हम्प है इसके फ्लोर पे। बात करूं रेयर सीट्स के स्पेस की, तो 2 एडल्ट और 1 बच्चा कार में बैठ सकते हैं आराम से। रिक्लाइन एंगल भी सीट्स का काफी सही है एंड यहाँ पे आपको एक रीडिंग लैम्प दे दिया जाता है जो कि हैलोजन में ही है। एंड रेयर सीट कम्फर्ट भी कार का काफी सही है गाइज। एंड जो चीजें की गई हैं ना, छोटी मोटी चीजें जो कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं इसके नाइट एडिशन में, वो देखने में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। रेयर से कुछ ऐसा लुक आता है इसके डैशबोर्ड का। सो गाइस अगर आपका भी दिल आ गया इस नाइट एडिशन, इस ब्लैक ब्यूटी पे, तो मैं कॉन्टेक्ट पर्सन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। शोरूम की डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस कार के बारे में। अगर आपकी कोई और क्वेरीज रह गई है तो वो आप इनसे पूछ सकते हैं एंड इस कार को बुक कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो। अगर अभी चैनल नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हम आपके लिए बनाते रहते हैं। एंड इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाई।